हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि और आज मैं आपके लिए जानवी कपूर की नई फिल्म बेली का रिव्यू लेके आया हूं। जी स्टूडियोज और बेव्यू प्रोजेक्ट्स LLP की बिली एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक रेस्टोरेंट के कोल्ड स्टोरेज रूम में पूरी रात फंस जाती है। बिली, जो कि जानवी कपूर प्ले कर रही है, प्रोफेशन से एक नर्स है लेकिन एक रेस्टोरेंट में काम करती है जो कि एक शॉपिंग मॉल में है। वेलकम टू डूम्स किचन, कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज। वो अपने पिता मनोज पावा के साथ रहती है। मिली समीर कुमार यानी सनी कौशल से प्यार करती है लेकिन उसे अपने पिता से नहीं मिलवाती क्योंकि वो बेरोजगार है। एक दिन मिली घर नहीं लौटती और उसके पिता पुलिस में शिकायत करते हैं लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर मददगार नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर ये फिल्म है। ये फिल्म फेमस मलयालम फिल्म हेलेन का रीमेक है। स्टोरी और स्क्रीन प्ले अल्फ्रेड कुरियन जोसेफ, मधुकुट्टी जेवियर और नोबल बाबू थॉमस का है जबकि अडेप्टेड स्क्रीन प्ले रितेश शाह ने लिखा है। कहानी काफ़ी यूनिक है, स्क्रीन प्ले काफ़ी तेज तर्रार है और इसलिए ऑडियंस का इंटरेस्ट फिल्म में बना रहता है। ओरिजिनल मलयालम फिल्म हेलेन के आगे ये फिल्म लेकिन टक्कर नहीं दे पाती। जिसने वो फिल्म देखी है उसे ये फिल्म इतना पसंद नहीं आएगी। जानवी कपूर ने कोशिश की है और कम से कम कोशिश तो की है कि आउट ऑफ कम्फर्ट जोन में वो काम करे। 8-10 फिल्मों के बाद काम सीख ही जाएगी। अनन्या पांडे और दिशा पटनी जैसी तो नहीं है कि सेफ कॉस्मेटिक रोल्स ही करना चाहती है। हालांकि आधे से ज़्यादा फिल्म में मिली को कोल्ड स्टोरेज रूम के अंदर फंसा हुआ देखा गया है लेकिन राइटर्स ने समझदारी से उसे बाहरी दुनिया के सीन्स के साथ साथ अपने पिता, प्रेमी एटसेट्रा की खोज के साथ उसके दर्द को जोड़ा है। कुछ नेल बाइटिंग मोमेंट्स भी हैं जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखेंगे। हाँ, आगे चल के ड्रामा थोड़ा ढीला हो जाता है लेकिन बाकी की घटनाओं के कारण ये बोरिंग एरिया में रैली जाती नहीं है। रितेश शाह के डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं और होल्ड करके रखते हैं। मिली और उसके पिता के बीच भी सीन्स बहुत मजाकिया और संवेदनशील दोनों हैं। सिगरेट पी रहा अपन ना? कोल्ड स्टोरेज के सीन्स और अच्छा हो सकते थे। सन्नी कौशल का काम मुझे पसंद आया और पिता के रूप में मनोज पावा मिली के प्यार करने वाले पिता के रूप में सुपर्ब है। अनुराग अरोड़ा गंदे पुलिस ऑफिसर के रोल में चमकते हैं। संजय सूरी ने अच्छे पुलिस इंस्पेक्टर का काम अच्छा किया है। जेल में बंद अपराधी के रूप में जैकी श्रॉफ स्पेशल अपीयरेंस में अच्छे लगते हैं। डायरेक्शन अच्छा है। डायरेक्टर मधुकुट्टी जेवियर को इसी फिल्म की ओरिजिनल फिल्म हेलेन के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म मिला है। यहाँ पर भी उन्होंने काम अच्छा निकाला है। AR रहमान का संगीत अच्छा है लेकिन अगर एक हिट सॉन्ग होता तो फिल्म को बहुत हेल्प करता जो कि नहीं था। जावेद अख्तर के गीत वजनदार हैं। सिनेमाटोग्राफी सुनील कार्तिकेयन द्वारा बहुत अच्छी की गई है, कड़क है। कुल मिला के मिली एक अच्छी फिल्म है जो एक अलग तरह से एंटरटेनिंग है। हालांकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खराब ही होगा, ऑडियंस को अब शानदार स्पेक्टिकल फिल्म्स ही थिएटर में देखनी होती हैं। प्लस ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म है जिसके बारे में पब्लिसिटी भी ज़्यादा नहीं की गई है। वैसे आज इस फिल्म की ओपनिंग बहुत वीक रही है और ये गिरती ही जाएगी। OTT के लिए दिस विल बी अ गुड वॉच। तो ये था मेरा यानी जेसन रवि का जानवी कपूर की मिली फिल्म का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए जिससे हमारे नए हिंदी, इंग्लिश और साउथ इंडियन नई फिल्मों के रिव्यूज़ आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।